तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं एंजल फिश। तो दोस्तों ये है हमारे पास में मीडियम साइज के एंजल फिशेस, बहुत ही बढ़िया। ये गया 2100। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में ग्रीन जेब्रा फिशेस है, पिंक जेब्रा है दोस्तों। इसी के साथ में यहाँ देखेंगे ब्लू कलर के फिशेस भी काफी अच्छी लग रही दोस्तों। तो ये है जेब्रा फिशेस वैरायटी, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि ये भी फिशेस हमारी काफी स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, लाइनिंग भी हमें देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है दोस्तों। ऐसे भी फ्रेंड्स जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गोल्ड फिशेस और ब्लैकमोर फिशेस का काफी स्टॉक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था 20 रुपीज के अंदर काफी हमारे पास में बिग साइज के गोल्ड फिशेस देखेंगे और ब्लैकमोर फिशेस भी दोस्तों। काफी अच्छा स्टॉक, बहुत ही बढ़िया है। और ये आर्टिफिशियल हमारे पास में ट्राइवल्ड से दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये भी अगर आप चाहे तो ये ऑर्डर भी कर सकते, ले भी सकते। तो जैसा कि हम अगली फिशेस देख सकते हैं, गोरामी फिशेस काफ़ी स्टॉक एक्टिव है दोस्तों। ये जो फिशेस है विदाउट ऑक्सीजन में भी हम इसको बिल्कुल रख सकते हैं। इसी के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में टोटली काफ़ी स्टॉक ब्लू गोरामी का, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी साइज़ भी बढ़िया है दोस्तों। इसी के साथ में हमारे पास में जैसा कि हम देख सकते हैं पैरट फिश, बिग साइज़ की पैरट फिश भी यहाँ पे गोरामी फिशेस के साथ में आराम से सर्वाइव कर रही है। और इसी के साथ में देखेंगे यहाँ पे एसके गोल्ड, तो देखेंगे यहाँ पे हमें गोल्ड गोरामी दिख रही है दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे अरवाना जैसा लुक होता है सेम इस गोरामी फिशेस का। तो चलिए दोस्तों अगली फिशेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं टाइगर शार्क फिशेस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ब्लैक टाइगर यहाँ पे, जिसको ब्लू टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइगर फिशेस है, ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन में दोनों भी सर्वाइव करता है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में टाइगर शार्क फिशेस और उसी के साथ में दोस्तों ये जैसा कि देखने में आ रहा है दोस्तों, ये हमारे पास सकर कैट फिशेस। सकर कैट बहुत ही बड़ा है दोस्तों, अगर हमारे पास में जो बड़ा सकर कैट है आप लेना चाहे तो ये सकर कैट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है और कलर भी दोस्तों देखेंगे बहुत ही खूबसूरत कलर है दोस्तों, जैसा कि हम देखने में आ रहा है। ये है हमारे पास का बिग सकर कैट और इसी के साथ में देखेंगे स्मॉल सकर कैट भी हमारे पास में, वो भी स्टॉक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ प्लैटी फिशेस भी है। तो फ्रेंड चलिए ये अगली फिशेस की ओर चलते हैं, काफ़ी बिग साइज का जो फिशेस है हमारे पास में, जैसा कि देख सकते हैं टाइगर बार फिशेस दोस्तों, काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों बिग साइज का। इसमें स्मॉल साइज भी हमारे पास में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट फिशेस की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं 4 to 5 inches में कोई कार फिशेस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। जैसा कि हम देखने में आ रहा है ये जो हमारे पास में कोई कार फिशेस है दोस्तों, हर टाइम अलग अलग आता है लेकिन इस टाइम में दोस्तों एक्टिव स्टॉक है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं गोल्ड कलर में और ब्लैक कलर में और सिल्वर कलर, सभी कलर में मिक्स में ये हमारे एक्वेरियम के अंदर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये भी जो कोईकार फिशेस है और जल्द से जल्द बड़ा होता है दोस्तों और अच्छा सा सर्वाइव करता है। अगर कोईकार फिशेस रखेंगे टैंक भी थोड़ा सा बड़ा रखने का प्रबंध कर दिए दोस्तों, खूबसूरत लगेगा। ऑरेंज ब्लैक वाइट तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों। ये बिग साइज़ के एक्वेरियम के लिए हमारे पास फिशेस अवेलेबल है ये भी। तो चलिए अगली फिशेस की ओर, तो फ्रेंड चलिए अगली फिश की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दोस्तों, ये है बिग साइज के गोल्ड फिशेस दोस्तों, जिसके अंदर कुछ देख सकते हैं हमारे पास में कुछ कोई फिशेस है, जैसे कि ये देखेंगे गोल्ड फिशेस और काफी एक्टिव और फ्रेश स्टॉक है दोस्तों ये भी। तो नेक्स्ट अगली टिनफिल फिशेस की ओर चलते हैं दोस्तों। ये है टिनफिल बिग साइज की फिशेस है दोस्तों, जल्द से जल्द जो बिग साइज होने वाली और ज़्यादा सर्वाइव करने वाली जो फिशेस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे टिनफिल फिशेस। बार बार अगर हमारी फिशेस मरती है दोस्तों, ये टिनफिल फिशेस हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आराम से रख सकते हैं, जल्द से जल्द ये फिशेस हमारे पास में अच्छा सा काफ़ी स्ट्रांग और बड़ा हो जाता है दोस्तों ये भी। तो चलो इसी के साथ में अगली फिश देखते हैं दोस्तों, रोजी बार फिशेस काफ़ी बढ़िया। और दोस्तों ये स्टॉक है तो रोजी बार का पुराना रहने से हमारे पास में अच्छा सा काफ़ी स्टॉक पुराना है दोस्तों। तो ये है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में दोस्तों ये है तो एक्वेरियम में अपने भी एक्वेरियम में टिक जाएगा, लेकिन रेगुलर क्या होता है
फॉर्म से जब भी माल आता है तो कुछ माल दोस्तों अपने पास में सेट नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पास में लगभग 2 से 3 महीने का स्टॉक रहने से एकदम बढ़िया सा स्टॉक अवेलेबल है। ये भी रोजी बार फिशेस, और इसके साथ में देख सकते हैं जो पट्टे में दिख रही है दोस्तों, ये है टाइगर बार। तो चलिए दोस्तों अगली फिशेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जैसा कि देख सकते हैं एबीए टेट्रा और इसी के साथ चॉकलेट मॉली। तो दोस्तों चॉकलेट मॉली और एबीए टेट्रा की बात करिए किए तो दोस्तों 20 से 30 रुपीज़ तक के काफ़ी स्टॉक अच्छा रहेगा दोस्तों ये हमारे पास में जो आया है। और देखने में फिश भी दोस्तों एकदम फास्ट लग रही है, चंचल फिशेस लग रही है दोस्तों, स्लो फिशेस बिल्कुल भी नहीं है, जिसके ऊपर स्पीड के ऊपर समझ सकते हैं दोस्तों ये फिशेस काफ़ी अच्छी है। और देखने में रेडाई में भी दोस्तों देखने में भी बहुत ही बढ़िया अच्छा सा लुक आता है इसका। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों ये रेडफिन वाली रेम्बो शार्क दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले फिश की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑरेंज कलर का प्लैटी, जिसका दोस्तों फिन जो होते हैं उसके ब्लैक फिन है, और काफ़ी अच्छा सा स्टॉक है दोस्तों। और ये भी स्टॉक देखेंगे हमारे पास में अच्छे से कम बजट में दोस्तों 20 से 30 रुपीज़ तक के अवेलेबल हो जाएगा।